सेना में भर्ती के लिए नए स्कीम को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस बात का अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में इस स्कीम को लेकर युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान से लेकर बिहार तक ये प्रदर्शन कुछ हद तक हिंसक भी होते दिखाई दिए। कहीं युवाओं द्वारा टायरों में आग लगाई जा रही है तो वहीं रेलवे के डिब्बों पर डंडे मारे जा रहे हैं, जिसके कारण यात्रियों में भी खौफ देखा जा रहा है। आपको बता दें, इस स्कीम को लेकर युवाओं का सवाल है कि 4 साल बाद अगर अग्निवीरों को सेना में नहीं रखा जाता तो इसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। हालांकि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे चुकी है कि अगर 4 साल बाद युवा उस सेना में नहीं रहता तो उसे सरकारी विभागों में नौकरियां दिलवाई जाएगी, जिसमें उस युवा की मदद सेना भी करेगी। और कल योगी सरकार द्वारा ये भी ऐलान किया गया था कि 4 साल बाद अग्निवीरों को यूपी पुलिस में प्रायोरिटीज दी जाएंगी। इतना ही नहीं, और भी कई चीजें सरकार द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन युवाओं द्वारा कहीं रेल की पटरियों पर और तो कहीं टायरों में आग लगाई जा रही है। यही नहीं, राजस्थान में बुधवार को अजमेर दिल्ली हाईवे पर युवा सड़कों पर उतर आए हैं और स्कीम के खिलाफ विरोध किया। आपको बता दें, पुलिस थाने के SHO ने बताया है कि करीब 150 आंदोलनकारियों ने सेना में भर्ती के पुराने तरीकों को बहाल करने की मांग करते हुए हाईवे को जाम कर दिया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम दिलचस्प खबरों से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।